नहीं देखें जी, मेरी एक बात सुने, हमारे दौर में 5 साल में मैं खुद कैबिनेट में था, मुतद्दद दफा ये आई समरी, लेकिन उस वक्त प्राइम मिनिस्टर चाहे नवाज शरीफ साहब हों, चाहे शायद खकाना भाई साहब हों, दवाइयों कीमतों में इजाफा नहीं हुआ। मुख्तलिफ माफिया के लोग, मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ कि उस वक्त भी सरगर्म अमल थे कि दवाइयों की कीमतों में इजाफा हो और उससे बहुत सारों की जेबें भरें, मुझे पता है ज़ाती तौर पर इस बात का, लेकिन नहीं अप्रूव हुई। तो अभी आपने आते 90 दिन के अंदर अंदर दवाइयों को आपने जनाब 200 गुना पे ले गए हैं। करप्शन का इल्जाम लगा रहे हैं तहरीक इंसाफ रोजमर्रा अशिया की। देखें सुने ना, मेरी यार सुन लें, जो अद्वियात हैं ब्लड प्रेशर की, शुगर की, एंटीबायोटिक्स, एरिथ्रोमाइसिन, ये वो दवाइयाँ हैं जो हर घर की जरूरत है, ये रोज इस्तेमाल होने वाली दवाइयाँ हैं। जो 40 रुपये की दवाई थी 150 रुपये चली गई है, 150 वाली थी वो 400 पे क्रॉस कर गई है। देखिए लोग बेचारे कैसे अफोर्ड करेंगे। बिल्कुल, मैं मिनिस्टर साहब से ही पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं, क्योंकि काबीना की मीटिंग में भी बैठते हैं और सारे मामला को देखते हैं, ईसीसी में भी बैठते हैं, तमाम मामला देखते हैं। वजीर खजाना कहते हैं कि जनाब मरीज आईसीयू से बाहर आ गया, लेकिन आपने अपोजिशन को सुना, वो कह रहे हैं कि मर्ज बढ़ता गया जून जून दवा की। बड़ा मजा आ रहा है मुझे वैसे, और शायद मैं देख रहा हूँ टीवी शोज, अभी भी मैं इससे पहले एक शो में बैठा था, ऐसे कपड़े धो रहे हैं जैसे कि इन्होंने अरबों खरबों डॉलर यहाँ छोड़े थे और 8 महीने में हमने बेड़ा गर्क कर दिया। जरा कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात कर लें, ये तो बड़े अच्छे लगते हैं ना ये इमोशनल स्टेटमेंट्स। फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या है, किस पे बात करेंगे, डिवेल्यूएशन पे या फॉरेन डेट पे? जब जिया साहब गए थे ना, जब उनका जो भी हादसा हुआ था, उस वक्त आपका डेट था, फॉरेन डेट था 13 बिलियन। फिर आ गई जी पी एम एल एन, वो बन गया 39 बिलियन। दिमाग में रखें अपने ख्याल, भूलना चाहिएगा आप, मुझे पता है 39 सर। फिर आ गए मुशरफ साहब, वो छोड़ गए 40.6 बिलियन, मैंने उन्होंने 1.6 बिलियन लिया अपने सालों में। फिर आ गए जी पी एम एल एन का 10 साल, $96 बिलियन फ्रॉम 40 to 96 बिलियन। 10 साल में इन्होंने $56 बिलियन का कर्जा लिया, ये हमें छोड़ के गए, विरसे में हमें ये मिला। 9 बिलियन हमने इस साल वापस करना है, 5 साल में 37 बिलियन वापस करना है, रुपया उसमें से हमने नहीं लिया हुआ, डॉलर हमारा नहीं है, पहले का चल रहा है। इन्फ्लेशन पे आप आ जाए, डिवेल्यूएशन पे, चले डिवेल्यूएशन पे आ जाए, हुकूमत आई पीपल्स पार्टी की, दरदारी साहब प्रेसिडेंट बने, पहले 9 महीने में 25.5% डिवेल्यू हुआ रुपया, मैं रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ। इनकी आई हुकूमत नून लीग की, पहले 9 महीने में 10.8% हुआ, अब हमारी आई है, हाँ हुआ है डीवैल्यू 10.7%। हमें जो मिला है एक पहले तो सर्वाइवल की बैटल थी, उसके कह बाद कि दिया क्या है जिसका हिसाब, मेरी बात तो सुने, पहले थी सर्वाइवल की बैटल, लतीफा सुना, दूसरी थी ब्लीड रोकने की बैटल, और तीसरी है आगे कैसे लेके जाने की बैटल। अफकोर्स हमें एक्सपोर्ट बढ़ानी है, अफकोर्स हमें FDI लेके आनी है जो करें, अफकोर्स हमें टैक्स रेट बढ़ाना है, इससे कोई भी वो बात नहीं कर रहा। 100% ठीक है कि जी हमें कोई क्रिएटिव फाइनेंसिंग और फाइनेंशियल मॉडलिंग करनी पड़ेगी, ये कोई इससे बात नहीं कर रहा। ये आपने अच्छी बात की कि आगे का रास्ता भी आपने दिखाया कि क्रिएटिव आपको होना पड़ेगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लानी है, एक्सपोर्ट बढ़ानी है, एक बड़ी पॉजिटिव अप्रोच है। वर्ल्ड बैंक की आपने सारी बातें सुना दी, IMF की सारी कहानी सुना दी, ये भी बता देने का कि पोटेंशियल कितना है पाकिस्तान का 2 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने का, वो 2047 के एस्टीमेट्स आ रहे हैं उसमें। मेरी बात असद उमर साहब ने 2045 2047 कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने। महंगाई की बात कर लें, दुनिया के अंदर आखिरी बात मेरी, आपने बहुत प्लीज अर्शद देखें, दुनिया में सिर्फ 5 महीने में तेल किधर गया, वह दिसंबर में तेल कितना था, 51-55 पर बैरल, 91 डॉलर 55 सेंट, अभी कितना है, अभी है 67, 30% तेल की कीमत बढ़ गई है। तो हमने तो 30% नहीं बढ़ाई है, बढ़ानी पड़ी, हमने तो 24 से 17% कर दिया। अच्छा, बड़ा कीमत बढ़ी है, बढ़ानी पड़ी है। क्रिएटिव इन्वेस्टमेंट्स की बात की, एमनेस्टी स्कीम आपकी हुकूमत कोई लेके आ रही है? देखिए आई हैव सीन द ड्राफ्ट, मैंने सुना है, उस दिन असद उमर साहब की बात भी सुनी है, पहले वो एमनेस्टी स्कीम कैबिनेट में डिस्कस नहीं हुआ, आज नहीं डिस्कस हुआ, ECC में भी नहीं डिस्कस किया उन्होंने। मैं पिछली ECC में था नहीं, क्योंकि अच्छा। वो चले गए थे अपना अमेरिका, वो IMF के, वो तो कल हुई थी ECC मेरी, कल वो IMF कौन चला गया, गए ना, मैं तो बता के गए, छुपा के तो नहीं गए, असद उमर साहब वॉशिंगटन DC गए बात करने, हमने तो कहा था असद उमर साहब IMF चले गए,
जाना था, आप ऐसे बोले जैसे आपको पता नहीं था खतरे की, परसों घरने की कंट्री। ये तो हुकूमत में आके ओथ लेके साथ जाया करते थे आई एम एफ। हम तो कुछ 7-8 महीने लगे, हमने जो पैसे इकट्ठे किए पहले अपने आप को स्टेबल किया। ये असद उमर साहब कहीं प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कोई साजिश तो नहीं कर रहे, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के बयान ऑन रिकॉर्ड है, आपको पता है। मुझे लग रहा है, और खान साहब बड़े जिद्दी आदमी है, आपको पता ही है, मजबूरी में गए हैं पहले। लेकिन अब पहले नहीं गए, आई एम एफ छूटते नहीं, अगली फ्लाइट पर चले गए। पहले 7-8 महीने स्टेबल किए चीजें, आई अंडरस्टैंड के बिल्कुल स्टेबल हुई। आपको ना लगे जो हालात हमारे इंटरनेशनली थे, लोकली थे, जो हमको खाली खजाना डिब्बा, खाली डिब्बा बैंक अकाउंट और जुरात मिले, अगर इसका नाम, अगर इसका नाम स्टेबिलिटी रखनी है, और मुश्किल बिल्कुल है। मैं कब कह रहा हूँ, मुझे बहुत मैं दो बट लाइट एक मिनट जरा।